चलिए बच्चों टेस्ट पेपर नंबर एट वट इज मेन्ट बाय डिजोल्यूशन ऑफ फर्म वेन पार्टनर्स अग्री टू अमंग एंड बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड इट इज नोन एज डिजोल्यूशन नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ एक छोटा सा आंसर था नॉमिनल टू सिमिलैरिटीज एक तो दोनों नॉमिनल अकाउंट होते हैं बच्चों बोथ आर प्रिपेड फॉर पार्टनरशिप समझ में आ गया बोथ रिकॉर्ड द अकाउंटिंग पार्टनर्स चार सिमिलैरिटी मैंने आपको बता दी फ्लारी लैंग्वेज लिखनी है रिवैलशन में चेंज की अकाउंटिंग होती है रियलाइजेशन पे सेल ऑफ एंड पेमेंट की अकाउंटिंग होती है बट दोनों में अकाउंटिंग होती है तो वो शब्द चुन लीजिए जो सिमिलर है ओके okay? भाई आप में और आपके पेरेंट्स में क्या सिमिलैरिटी है बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली बोथ आर दायोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ मैमल्स क्शन of of के हिसाब से लिखा है तो नंबर मिलेगा वरना जयराम जी की

अली पार्टनर वॉज इंटरेस्टेड एक्चुअल अमाउंट इससे कोई मतलब नहीं है इट इज रियलाइजेशन टू अलीज कैपिटल एक एक नंबर चारों पे ले लीजिए बच्चों बिल का था क्रेडिटर से मिला पे करना था अब बच्चों यहां पे सबसे पहले अगर आपने रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री लिख दिए तो आपको पूरे मार्क्स में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि पहले आपको ट्रांसफर करना है समझ में आ गया तो पहली एंट्री होगी आपकी क्रेडिटर टू रियलाइजेशन एंड देन इट इज रियलाइजेशन टू बैंक आधा आधा मार्क्स ले लीजिए बच्चों दोनों पे नौ हजार रुपए का बिल डिस्काउंट किया था सर इसको भी ट्रांसफर करेंगे नहीं ये तो बुक्स में एक्सिस्ट ही नहीं कर रहा डिस्काउंट किया तो बुक्स से चला गया इलेवें का बिल ऑफ एक्सचेंज का वीडियो देखिए सब लोग तो पहली एंट्री होगी आपकी बच्चों इट इज बैंक टू रियलाइजेशन जो आपको तीस प्रतिशत पैसा सत्ताईस सौ मिला और फिर होगी एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक पूरा नौ हजार कुछ बच्चों ने अगर डिफरेंस छ हजार तीन सौ की एंट्री भी की है रियलाइजेशन टू बैंक तो वो भी सही है हाफ मार्क्स और हाफ मार्क्स ले लीजिए फर्म के पास एक राइट right था जो वर्थलेस था पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया इट इज वाइज कैपिटल टू रियलाइजेशन क्योंकि वर्थलेस था तो बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा जीरो वैल्यू होगी अनरिकॉर्डेड असेट है ट्रांसफर कर नहीं सकते एक नंबर इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया इसकी एंट्री पहले आपको करनी पड़ेगी बच्चों रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट आधा नंबर देन एक्स वाई जेड टू रियलाइजेशन चौवन हजार रुपए में ये डिवाइड हो गया थ्री टू में कितना बच्चों सत्ताईस पंद्रह बारह आएगा क्या नहीं जस्ट होल्ड ऑन फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स नौ हजार उसके बाद अठारह हजार और सत्ताइस ये ठीक है एनी क्वेरीज़ ऑन दिल चलिए एट क्रेटर्स दस हजार के थे प्लांट और फर्निचर एक्सेप्ट किया भाई पहले तो ट्रांसफर एंट्री क्रेटर्स टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर आफ्टर नो एंट्री समझ में आ गया एक नंबर ले लीजिए सही था चालीस का क्रेडिटर था ट्रेडमार्क ले लिया बत्तीस हजार का पहली एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन फिर होगी रियलाइजेशन टू ट्रेडमार्क आठ हजार पेमेंट करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक आठ हजार आधा नंबर क्रेडिटर ट्रांसफर आधा ट्रेडमार्क एक नंबर यहां पे टोटल दो नंबर इसमें मिलेंगे तीन नंबर इन दोनों को मिला के आपको मिल गया क्रेडिटर्स तीस के थे जिसमें से पांच वाले कह रहे हैं हमें पैसा नीचिए बात की बात है पहले तो क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन आधा नंबर इस पर मिलेगा पच्चीस वालों को साढ़े बाईस दिया दस परसेंट डिस्काउंट है ना बच्चों रियलाइजेशन टू बैंक साढ़े बाईस हजार ठीक है तो इस पे आप ले लीजिए आधा नंबर चार हो गया दो नंबर इस पे दे देंगे पहले तो आप एंट्री कर लीजिए क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन आधा नंबर इस पे फिर रियलाइजेशन टू स्टॉक आधा नंबर इस पे फुल सेटिस्फैक्शन मतलब फुल सेटलमेंट नो एंट्री पे एक नंबर मिलेगा कोई डाउट है चिल्ड्रेन तो प्लीज आस्क चलिए और, जो फ्री नजर आएगा और यहां फ्री अगर आप बीकॉम ऑनर्स डी यू वगैरह से करते हैं या कैलकाटा की किसी यूनिवर्सिटी से तो देयर दे टीच फंड आल्सो इसका मतलब है बच्चों फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जब बिकेगी तो पहले पैसा इस लोन का दिया जाएगा बचेगा तो हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे वरना जय माता दी ठीक सीयूटी में ये सब चीजें पूछते हैं इसको पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जब इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं ये यूपी बोर्ड बोर्ड के स्टेट बोर्ड के स्टेट सिलेबस में में है IC, में नहीं है चिल्ड्रन नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है सबसे पहले टू फर्नीचर टू स्टॉक टू स्टॉक इन सॉरी स्टॉक इन ट्रेड टू डेटर्स बाय क्रेडिटर्स बाय लोन ऑन मॉडगेज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करेक्ट चलन फिर आप लिखेंगे बाय कैश क्यों बैलेंस शीट में कैश है छ दो आठ और पंद्रह तेईस और बीस फोर्टी थ्री थाउजेंड टू कैश लिख लेंगे दो हजार और साढ़े बाईस हजार सर ये क्यों पचहत्तर पैसे रुपयी उन्होंने लिया पचहत्तर परसेंट और उसके बाद फिर लिखेंगे बच्चों टू कैश चार हजार रुपए लोग इसको लिखना शायद भूल गए होंगे क्योंकि आपको वो रूल नहीं याद इन द स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन असेट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिक गई फर्नीचर बिक गया स्टॉक एंड ट्रेड और डेटर सब बिक गए टैंजेबल को मानते हैं बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ लाइबिलिटी चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो पूरी की पूरी पे तो होनी होनी है तो एक कॉन्सेप्ट ये है एक ये ट्रांसफर ये ट्रांसफर तो एक दो, एक दो तीन एक दो मैं इसे एक ट्रांसफर मानूंगा बच्चों इस पे हाफ मार्क्स इस पूरे ट्रांसफर पे हाफ मार्क्स ठीक है एक नंबर आप ले लीजिए बाय कैश फोर्टी थ्री लिखने में आधा नंबर साढ़े बाईस हजार में और आधा नंबर चार हजार में आधा आधा एक और डेढ़ और एक एक दो तीन चार दो मार्क्स तीन मार्क्स एक नंबर यहां मिल जाएंगे चार और उसके बाद दो नंबर प्रॉफिट पे ले लीजिए अगर सही है तो ठीक क्वेश्चन नंबर टेन क्या करना है इसमें अच्छा रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट नवसी चलन इतना बड़ा क्वेश्चन तो आईसी के सिलेबस में पूछा जाता है सीबीएसई मेजोरिटी मैक्सिम छे नंबर के क्वेश्चन पूछता है बट आपको आना चाहिए नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी टू स्टॉक एंड ट्रेड टू इन्वेस्टमेंट टू डेटर्स टू प्लांटेड मशीनरी टू बिल्डिंग टू गुडविले कैपिटल अकाउंट में चिल्ड्रेन करेक्ट यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल बाय मिस बिराज लोन बाय मिसेज राजंड कहां पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में बाय आई एफ आर रियलाइजेशन में ही जाएगा और इन दोनों को कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड समझ गए देन चलन बिराज टूक ओवर स्टॉक एंड प्रोमिस टू पे ऑफ लोन ध्यान से सुनिएगा रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय बिराज कैपिटल और इसके लिए लिखेंगे टू बिराज कैपिटल करेक्ट कैपिटल अकाउंट में इसके लिए लिखेंगे बाय रियलाइजेशन और इसके लिए लिखेंगे चिल्ड्रन टू रियलाइजेशन ठीक है राजन ने इन्वेस्टमेंट ले लिए राजन के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय राजन इसके लिए लिखेंगे बाय कैश और कैश अकाउंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को देना तो पैसा एक महीने के बाद था क्योंकि फॉर्म जल्दी डिजोल्व हो गई तो आज ही इनको पे किया जा रहा है साठ और सोलह होता है बच्चों 6 के रेट से एक महीने का डिस्काउंट मिल रहा है सिक्स वन सा थ्री एट्टी कम हो जाएगा मैं एंट्री लिख रहा हूं आप पोस्टिंग कर लेंगे रियलाइजेशन टू कैश इट इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो रियलाइजेशन में लिखेंगे टू कैश और कैश में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन फिफ्थ वाले के लिए रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय कैश और कैश अकाउंट में लिखेंगे चिल्ड्रन टू रियलाइजेशन ठीक है ओल्ड टाइप राइटर राजन ने टेक ओवर कर लिया राजन के कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय राजन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश और कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन समझ गया चलो उसके बाद एक चीज ध्यान देनी है जरा आपको प्लांट बिल्डिंग गुडविल प्लांट बिल्डिंग गुडविल इन्वेस्टमेंट डेटर्स सब बिक गया कुछ भी नहीं बचा स्टॉक एंड ट्रेड भी बिक गया था ना नहीं हाँ स्टॉक एंड ट्रेड टेक ओवर गया था करेक्ट चल रहा है सारी लाइबिलिटी भी नहीं फिट गई समझ गए कैश अकाउंट में एक चीज चेक करिएगा इसको तो आपने बच्चों टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिखा होगा इसके लिए आप लिखेंगे टू बैंक तो नंबर ऑफ पोस्टिंग्स कितनी है जरा देख लें एक दो इन सब पोस्टिंग को एक मानेंगे तीन इसको एक मानेंगे चार इन दोनों को एक मानेंगे पांच छ ये भी इसी के साथ मानी जाएगी सात उसके बाद आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस आफ्टर बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पोस्टिंग मान लीजिए आप लगभग प्रॉफिट को जोड़ के पॉइंट थ्री थ्री मार्क्स चल एट थ्री ट्वेंटी फोर हर तीन पे एक नंबर ठीक कोई क्वेरी है तो प्लीज आज चल Actually, proceeding to the previous one, Jalan, the test paper of retirement.